कि सरल कोशिकीय जीव का होता है, जटिल कोशिकीय जीव का होता है। कहेंगे आप कि वे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं या अकोशिकीय होते हैं उसे सरल कोशिकीय जीव कहते हैं। इसको आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे जीवाणु हुआ, विषाणु हुए, या मान लीजिए प्रोटोजुआ के अंतर्गत पैरामिशियम हुआ, युगलीना हुआ, अमीबा हुआ, ये सभी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसे हम लोग अपने नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। समझे क्या होता है सरल कोशिकीय जीव? तो ऐसे जीव जिसकी संरचना बहुत क्या होती है, सरल होती है, जिसे हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, और जब वो मिलते हैं तब बड़े जीव का क्या होता है, निर्माण। जीवाणु लिख सकते हैं, जीवाणु को देख सकते हैं क्या आंख से? विषाणु को भी नहीं देख सकते हैं। ये देख लोगे तुम लोग, ये जीवाणु को देख लेंगे आप, विषाणु सब चीज देख लेंगे, उन्हें लैट्रिन करने के बाद हाथ नहीं धोएंगे, साबुन से हाथ धोने के बाद देखना एकदम हाथ फ्रेश हो जाता है, जीवाणु नहीं रहते हैं। अगर दिखाई देता ना जीवाणु तो हमको कोई बीमारी नहीं होता, दिखाई नहीं देता इसलिए बीमारी हो जाता है। समझ रहे बात को? तलिको पहले सरल कोशिकीय जीव यार वही लड़का कह गया जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। देखो हाँ, ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है तथा जिसे अपने नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिसे हम अपने नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते। उदाहरण में जीवाणु, विषाणु, कवक, पैरामिशियम। कब भुलाएगा जी? नहीं लोगों, तो सरल का मतलब है एकदम सिंपल। ये सरल कोशिका जब मिलते हैं तो एक बड़ा मजबूत शरीर का निर्माण होता है, सोच लो। नहीं मिलेगा तो बड़ा का निर्माण नहीं होता। आ जाओ जटिल कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो नमस्ते नमस्कार सरल कोशिका से मिलने के बाद बनता है, मिलने के बाद बनता है, इसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। उदाहरण में आप मनुष्य लिख सकते हैं, शेर लिख सकते हैं, बाघ भी लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा जटिल कोशिकीय जीव, सरल कोशिकीय जीव, आइए अगला आपके पास क्वेश्चन है पृष्ठ संख्या 93। मिटा दें
वाला लिखा लिखा 93 लिखा होगा देखो ना। पहला है आदिम जीव किसे कहते हैं और उन्नत जीव किसे कहते हैं। पुराने जीव जो बहुत पहले इस पृथ्वी पर बने थे उस पुराने जीव को आदिम जीव कहते हैं। आज जो इस समय नए जीव बने हैं इसमें बहुत परिवर्तन हो गया है, इससे हम लोग उन्नत जीव कहते हैं। ठीक है, मिटाया अब जी सर, मिटा दीजिए।